त्रिवेदी जी नमस्कार। सर मैं माफी चाहता हूँ, काफी दिनों से मैं आपको कुछ वीडियो नहीं भेज पाया। कारण ये था कि कई समस्याओं की वजह से मैं, जिम्मेदारियां कुछ ऐसी थी जिनकी वजह से मैं वीडियो आपको नहीं भेज पा रहा था। तो कोशिश करता हूँ कि आज मैं आपको कुछ बताता हूँ इसके बारे में। जैसे मैंने पिछली बार बताया था कि लय के बारे में थोड़ा बताऊंगा। तो एक्चुअली में होता क्या है कि लय एक, जैसे किसी चाल को कहते हैं, जैसे कदम ताल चलते हैं, जैसे तो कदम ताल करते हुए जो चाल एक रिदम के रूप में बनती है उसको लय बोला जाता है। तो जैसे तीन तरह की लय होती है, एक विलंबित, एक मध्य लय, एक द्रुत लय। तीन तरह की संगीत में लय होती है। तो विलंबित जो धीरे धीरे चलती है, और मध्य लय जो एक मीडियम लय पे चलती है नहीं, और द्रुत लय जो मध्यम से दुगनी गति पे चलती है। तो इसी तरह से तीन लय बनती है, और उसके चलने का मैं आपको बांसुरी में दिखाता हूँ किस तरीके से चला जाता है लय के। जैसे ये है, ये मान लीजिए आपकी मध्य लय है। तो यदि इससे हम आधी और इसको आधा कर देंगे तो विलंबित में आ जाएगी, यदि इससे डबल हम कर देंगे तो ये द्रुत लय में हो जाएगा। यानी कि देखिए, जैसे ये विलंबित में आ जाती है, इसमें हमने एक ही जो मध्य लय की हमारी जो एक मात्रा है उसके अंदर हमने दो मात्रा शामिल करी। यदि हम इसमें मध्य लय की चार मात्राएं हम विलंबित की शामिल करते हैं एक ही एक अंतराल में, एक मात्रा में, तो वो और भी स्लो हो जाती है। तो और स्लो में जाने की, यानी कि वो विलंबित में बन जाएगी। यदि हम वही चार मात्राएं उसमें और डबल कर देंगे तो वो द्रुत में हो जाएगी। तो यानी कि जैसे ये विलंबित में हमने चार मात्राएं, मतलब इसमें एक मात्रा में चार मात्राएं हमने बोल के, यानी कि चार मात्राओं का समय देके जो हमने बजाया है वो विलंबित में आ जाती है। और भी हम इससे भी ज्यादा कर सकते हैं, जैसे जैसे हमने यानी कि एक प्रकार से एक कदम एक ही चाल के हिसाब से चलने से, एक चाल के चलने से हम चार मात्राएं या छह मात्राएं हम उसमें ऐड करते हैं। एक ही मध्य लय की जो हमारी वो है उसमें हम यदि छह मात्राएं भी ऐड कर देते हैं, आठ मात्राएं ऐड कर देते हैं, तो विलंबित की हमारी वो बन जाएगी एक लय, जैसे अभी मैंने बजा के बताया था। इसी तरीके से यदि हम द्रुत में यदि लय बनाते हैं, द्रुत में मतलब है कि फास्ट हो जाएगी उससे दुगनी स्पीड, उससे चार गुनी स्पीड, उससे छह गुनी स्पीड, ऐसे करके लय बढ़ेगी। जैसे हमने अपनी मध्य लय हमने ये रखी थी, जैसे हमने ये अपनी मध्य लय है हमारी, तो ऐसे ही यदि हम इसमें डबल एक मात्रा के अंदर हम दो दो स्वर ले लेते हैं, ये एक में ही हमने दो दो एक मात्रा के अंदर ही दो 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 बार बजा दिया, तो यानी कि वो इसी तरीके से वो द्रुत में आ गई। यदि हम इसी में चार मात्राएं ऐड कर देंगे तो वो और ज्यादा
क्या नाम है और ज्यादा फास्ट हो जाएगी लय, जैसे और तेज हो गई, तो एक टेम्पो जो तेज बन जाता है, एक जो लय जो तेज हो जाती है वो द्रुत लय कहलाती है। आठ, इसमें लगभग आठ मात्राएं हमारी सम्मिलित हो गई हैं, एक मात्रा में ही आठ, जैसे सा से रे के बीच में हमने आठ हमारी मतलब आठ सम, जो आठ मात्राएं यदि बोलनी है तो वो उसी समय काल के अंदर अंदर आठ मात्राएं बोली जाएंगी, इतनी तेज हो जाती है। आठ मात्राएं या छह मात्राएं या चार मात्राएं हम इस तरीके से इसमें ऐड कर सकते हैं मध्य लय के अंदर। यदि यही मात्राएं हम चार मात्राएं घटा देंगे तो विलंबित में आ जाती है, दो मात्राएं यदि घटा देंगे तो विलंबित में आ जाएंगे, जैसे तो यानी कि जितना लंबा हम उसमें एक स्वर के ऊपर टिकेंगे तो वो उतनी मात्राएं उसमें बढ़ती जाती है। जितना कम यदि द्रुत में हमने जाना है, जितना एक स्वर से दूसरे स्वर पे जाने में हम जितना कम समय लगाएंगे तो उतनी ही ज्यादा मात्रा उसमें आएंगी और वो उतना फास्ट हो जाएगा वो स्वर, तो द्रुत में ये होता है। तो लय एक बरकरार रखनी चाहिए आपको, क्या नाम है, अभ्यास करने के लिए। यानी कि जैसे आपने अलंकार करना है, एक छोटा सा अलंकार ये है, ये हमारा मध्य लय का अलंकार है। तो इसमें यदि हम द्रुत लय में करते हैं तो वो इस तरीके से आएगा, यदि हम इसको विलंबित में करते हैं तो इसमें हमें थोड़ा अंतराल बढ़ाना पड़ेगा, विलंबित में भी और द्रुत में भी हम अपनी लय को बरकरार रख सकते हैं। तो ये लय का बड़ा महत्व है। थैंक यू सर।